नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त ललित कुमार। दोस्तों, आज ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करेंगे रत्न विज्ञान की, कि आखिर कुंडली अनुसार कौन सा रत्न पहनना चाहिए और क्यों पहनना चाहिए। देखिए दोस्तों, कुंडली में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिकोण क्या होता है। दोस्तों, मैं अपने पहले के वीडियोस में ये बता चुका हूं कि कुंडली में तीन घर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो होते हैं लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश, यानी कि पहला घर, पांचवा घर और नौवां घर। ये जो तीन घर होते हैं हमारी कुंडली में, ये कुंडली में बहुत ही अधिक विशेष महत्व रखते हैं। तो अधिकतर वीडियोस में आपने सुना होगा कि अगर हम इन तीनों घरों को मजबूत कर लें तो जिंदगी काफी अच्छी और सरल हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ये पूरी तरह सच नहीं है। अगर आपको कोई भी रत्न पहनना है तो आपको इन घर में बैठे हुए जो ग्रह होते हैं, जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको मेष लग्न के उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए किसी का मेष लग्न है और मेष लग्न में अगर मंगल देव लग्न में ही बैठे हुए हैं तो उसका रत्न हम पहन सकते हैं। अगर मेष लग्न में पंचम हाउस में जो राशि पड़ेगी वो पड़ेगी सिंह राशि। अगर सिंह राशि के मालिक सूर्य देव अपनी मित्र राशि में या पंचम भाव में ही पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो हम सूर्य का रत्न पहन सकते हैं। ठीक इसी तरीके से नौवीं राशि हुई धनु राशि, तो धनु राशि के जो मालिक हुए वो हुए बृहस्पति देव। और बृहस्पति देव अगर अपनी मित्र राशि में या नवम भाव में ही पड़े हैं तो भी इसका रत्न पुखराज पहना जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ विशेष तौर पे एक ध्यान रखने योग्य बात ये है कि जब भी घर 1, 5 और 9 के जो मालिक हैं, वो जब भी घर 6, 8 और 12 में बैठते हैं तो हम इसका रत्न बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे। क्यों नहीं पहनेंगे दोस्तों? क्योंकि जो छठा घर है वो मालिक होता है रोग, ऋण और शत्रु का। तो अगर मान लीजिए आपने लग्न लॉर्ड का मालिक जो है छठे भाव में बैठ गया और आपने इसका रत्न पहन लिया, तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में रोग, ऋण और शत्रु को भी बढ़ाएगा। अगर वो 8वें घर में बैठे हुए ग्रह का आपने रत्न पहन लिया तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपकी जिंदगी में बेफालतू की परेशानियां बढ़ जाएंगी, बेफालतू के ऑब्स्टेकल्स बढ़ जाएंगे। 12वें घर का अगर आपने रत्न पहन लिया तो जिंदगी में बेफालतू के खर्च बढ़ जाएंगे, बेफालतू की समस्याएं आपकी जिंदगी में अपने आप ही आती रहेंगी। तो दोस्तों, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि आखिर रत्नों को पहनना कैसे चाहिए। अक्सर यही बात बोली जाती है कि 1, 5 और 9 को आप मजबूत कर लीजिए, पर यह बात पूरी तरह सच नहीं है। अगर इस भाव के मालिक अपने किसी शत्रु राशि में बैठे हों, 6, 8, 12 में बैठे हों, या कोई बुरा योग बना के बैठे हुए हों किसी अपने शत्रु ग्रह के साथ, तब हम इसका रत्न बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे। अब एक रत्न की बात करते हैं, एक नहीं दो रत्न की बात करते हैं, जिसके बारे में लोग अधिकतर कमेंट्स में पूछते रहते हैं। वो रतन है गोमेद और लहसुनिया। भाई, गोमेद रतन है राहु का और लहसुनिया रतन है केतु का। आपसे कोई पंडित, कोई एस्ट्रोलॉजर कितना भी बोले, आपको ये रतन नहीं पहनने हैं। क्यों नहीं पहनने हैं? क्योंकि राहु और केतु को आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा चुका है। राहु और केतु की कोई पर्टिकुलर राशि नहीं है, ये छाया ग्रह है। और सबसे बड़ी बात, ये अचानक फल देने वाले ग्रह हैं। अब जब ये अचानक फल देने वाले ग्रह हैं, तो इनका रत्न बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। पता नहीं अगर इन्होंने अचानक आपको कोई नुकसान कर दिया तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये तो अचानक फल देने वाले हैं, प्रिडिक्टेबल नहीं है कि क्या आपको ये फल देंगे। तो इससे अच्छा है आप अपने लग्न भाव को अच्छा रखें, अपने पंचम भाव को अच्छा रखें और अपने नवम भाव को अच्छा रखें। इन्हीं भावों के आप रतन पहने तो ही आपके लिए ठीक रहेगा। वो भी तब पहनने हैं जब ये अपनी मित्र राशि में बैठे हों, अपने ही भाव में बैठे हों, शव राशि में बैठे हों, अपनी ऊंच राशि में बैठे हों और 6, 8, 12 में ना बैठे हों। 6, 8, 12 का भी एक रूल है। अगर कोई आपका 1, 5 और 9 का मालिक ग्रह है और 6, 8, 12 में बैठ गया और वो अस्त है, तो अस्त होने की कंडीशन में हम उसका रतन धारण कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी सिंह लगन की कुंडली है
और सिंह लगन की कुंडली में बुध देव आपके अस्त हो गए और 6, 8 और 12 में बैठ गए, सिर्फ इसी कंडीशन में आप बुध का रतन पहन सकते हैं, अदरवाइज आप बुध का रतन बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे। अब एक बात बहुत परेशान करती है लोगों को, लोग क्या करते हैं, बिना अपनी कुंडली जाने पहचाने, बिना अपने डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ जाने, सिर्फ अपने नाम से रतन पहन लेते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर कोई भी इंसान आपको सिर्फ आपके नाम से, मान लीजिए आपका माँ से नाम है तो सिंह राशि हुई, और किसी ने आपको बोल दिया आप माणिक पहन लो, तो ऐसा ठीक नहीं है। जब तक कुंडली के ग्रह की पोजीशन आपको अच्छे से ना पता हो, आपको कोई भी रतन बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। हो सकता है कि कहीं वो आपको नुकसान दे जाए, इससे अच्छा ये है कि आप अपने इष्ट देव की पूजा करिए और रतन बिल्कुल भी धारण ना करें। अब एक बात और परेशान करती है लोगों को कि रतन कितने रत्ती का पहने, तो मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ। जितना आपका वजन है, जितनी आपकी हाइट है, उसके अकॉर्डिंग हम रतन को धारण कर सकते हैं। मान लीजिए किसी की हाइट 6 फुट है तो हम 6 रतन का रतन अप्रोक्सीमेटली धारण कर सकते हैं। किसी की हाइट 5.5 फुट है तो हम अप्रोक्सीमेटली 5.5 रत्ती का रतन धारण कर सकते हैं। एक रफ आइडिया है, बाकी कुंडली देखने के बाद इसका निर्धारण किया जाता है कि रतन कितने रत्ती का पहनाना है। अब एक बात और आती है रतन के साथ उपरतन की, कि लोग कहते हैं मान लीजिए किसी को किसी ने नीलम रतन बता दिया, अब वो कहता है उसके पास पैसे नहीं है तो वो क्या करे। अब इस कंडीशन में एमेथिस्ट नाम का रतन उपरतन शनिदेव का पहना जा सकता है, लेकिन उपरतन आप ज्यादा रत्ती का ही पहनेंगे। मान लीजिए रतन आपको धारण करना है 6 रत्ती का, तो आप जो उपरतन पहनेंगे वो कम से कम 10 या 12 रत्ती का पहनिए, तो ही वो आपको उचित फायदा पहुंचा पाएगा। ठीक है दोस्तों, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था रतन के बारे में। आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं आपको रतन के बारे में किस तरह का वीडियो चाहिए, कि कौन सी उंगली में पहने, कैसा पहने, किस लग्न पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं उस पे अगर आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, अपने लिए रतन पूछना चाहते हैं, तो मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाइए, ताकि वो ना समझी में गलत रतन बिल्कुल भी ना पहने और इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल फ्री में सही रतन पहन सके। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, आपसे विदा लेना चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।